अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे एन कंप्यूटिंग डिवाइस को हम किस तरीके से कंप्यूटर में फिट करेंगे और उसे किस तरीके से हम इंस्टॉलेशन करेंगे और किस तरीके से केबल वगैरह हम किस तरह लगाएंगे। ये पूरी क्लिप, एक ही क्लिप में इंशाल्लाह हम लोग सब देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर जो है वीजीए केबल, लैन केबल, ये PS2 कीबोर्ड के लिए, ये PS2 माउस के लिए। ये हम पहले मॉनिटर के पीछे फिट करेंगे और उसे कनेक्शन कैसे देंगे पहले वो देखते हैं। हम इस तरीके से सब सेटअप कर चुके हैं और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि LCD में हम एन कंपनी डिवाइस इस तरीके से लगा देंगे, फिट कर देंगे। और VGA केबल जो हम लगाएं मॉनिटर के अंदर, इसके बाद VGA केबल का जो दूसरा हिस्सा है वो हम लगाएंगे एन कंपनी में। इसके बाद PS2 कीबोर्ड, इसके बाद PS2 माउस, इसके बाद लैन केबल। ये तरतीब ज़रूरी नहीं है, हम आगे पीछे भी लगा सकते हैं, लेकिन एक तरतीब ये याद रखना है कि जो VGA केबल है वो एन कंप्यूटिंग में से निकल कर वो मॉनिटर में जाएगा, ये याद रखेंगे। इसी तरह पूरी सेटिंग हमको हर मॉनिटर में करना है, आप ध्यान से देखें। लैन कार्ड में हमने सब केबल को जोड़ दिया है। लैन कार्ड को हमने PCI स्लॉट में लगाया है, ध्यान से देखेंगे। इसके बाद अब हम इंस्टॉलेशन करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं स्टार्ट पर, फिर जाते हैं कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल के बाद यहाँ पर देंगे लार्ज आइकन, इसको करते हैं मैक्सिमाइज। यहाँ पर आते हैं यूज़र अकाउंट, यूज़र अकाउंट के बाद आते हैं यहाँ पर मैनेज अनदर अकाउंट, इसके बाद यहाँ पर आते हैं क्रिएट अ न्यू अकाउंट। यहाँ पर हम स्टैंडर्ड अकाउंट ही बनाएंगे, याद रहे यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, आप गौर से देखें, एक है एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट और एक है स्टैंडर्ड अकाउंट। हम यहाँ पर देंगे स्टैंडर्ड अकाउंट। अब जितने PC हैं उसके हिसाब से हम दे सकते हैं, जैसे कि आप जो भी नाम देना चाहो। मैं देता हूँ ACS1 क्रिएट अकाउंट, ये आपको यहाँ पर शो कर रहा है। इसके बाद हम इसका पासवर्ड लगा देते हैं, क्रिएट अ पासवर्ड, यहाँ पर देते हैं पासवर्ड 123 और यहाँ पर देते हैं 123, ये कंफर्म कर दिए पासवर्ड। यहाँ पर देना है क्रिएट, इसके बाद बैक करना है, बैक करने के बाद क्रिएट अ न्यू अकाउंट फिर दोबारा देना है, यहाँ देना है ACS जैसे कि 2, ये हमारा दूसरा यूज़र हो गया। अब इस पर भी पासवर्ड लगाना ज़रूरी है, इस पर भी पासवर्ड लगा देते हैं 123 या ACS। इसके बाद फिर बैक करते हैं, फिर क्रिएट अ न्यू अकाउंट, इस तरीके से हमारा तीसरा यूज़र है, क्रिएट अ न्यू अकाउंट। इसके बाद इस पर भी पासवर्ड लगाना है, पासवर्ड लगाते हैं जैसे हम ACS या 123, जो भी मुझे लगाना है मैं वो लगा लेता हूँ, आप जो चाहे आप वो लगा सकते हैं। यहाँ देना है क्रिएट अ पासवर्ड, फिर देना है यहाँ पर बैक। अब हम चौथा यूज़र बना रहे हैं, अब इसको भी पासवर्ड लगा देते हैं, इसके बाद क्रिएट पासवर्ड, इसके बाद फिर बैक करते हैं, फिर हम बनाते हैं पांचवा अकाउंट, ये हमारा पांचवा यूज़र है,
इस पर भी पासवर्ड लगाना है। याद रहे पासवर्ड लगाना ज़रूरी है, इसलिए हर अकाउंट पर पासवर्ड लगाना चाहिए। इसके बाद इस तरीके से हमें शो कर रहा है ये सब अकाउंट। अब हमें इसकी एक सेटिंग करना है रिमोट डेस्कटॉप की। अब हम जाते हैं इसे क्लोज करने के बाद माय कंप्यूटर पे मैनेज। यहाँ पर ऑप्शन पर अब ध्यान देंगे आप, अकाउंट बनाना बेसिक है लेकिन अब जो हम सेटिंग करेंगे वो खास है, इसलिए ज़रा ध्यान से देखेंगे कि अब यहाँ पर जाना है लोकल यूज़र एंड ग्रुप ग्रुप, इसके बाद रिमोट डेस्कटॉप पर डबल क्लिक, यहाँ पर देना है ऐड, ऐड करना है, यहाँ पर एडवांस पर क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पर फाइंड नाउ पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें ये कंट्रोल की मदद से या शिफ्ट की मदद से सारे अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर देना है ओके। ये ACS 1 2 3 4 5, अब यहाँ पर देना है अप्लाई और देना है ओके। अब हमें इसे करना है क्लोज। इसके बाद हमें अब ये जो सेटअप है वो करना है, वी स्पेस का एन कंप्यूटिंग का जो हमारा सर्वर का जो सेटअप है वो करना है। इसके ऊपर देना है डबल क्लिक, इसको देना है रन, यहाँ देना है यस, इसके बाद यहाँ पर देना है नेक्स्ट आई एग्री, नेक्स्ट आई एग्री, नेक्स्ट। यहाँ पर हमारा जो पिक्सल है जो हमारा रेजोल्यूशन है वहाँ 1024 ही रखना है, यहाँ पर देंगे नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये बार बार फ्लैशिंग जो हो रहा है, आप देख रहे हैं कि ये बार बार फ्लैशिंग हो रहा है, तो आपको हर सिस्टम पर इस तरीके से एन कंपाउंडिंग लिखा हुआ नज़र आएगा, क्योंकि ये एन कंपाउंडिंग का हमने जो सेटअप किया है वो सक्सेस हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर एक फॉर्म फिल करने का जो ऑप्शन दे रहा है, मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ मेन स्क्रीन पर, हमारा जो मेन सर्वर है यहाँ हमें फॉर्म फिल करने का ऑप्शन दे रहे हैं, लेकिन हमें फॉर्म फिल नहीं करना है, हमें यहाँ दे देना है कैंसिल, यहाँ देना है यस। इसके बाद देना है क्लोज। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है डू यू वांट रिस्टार्ट, क्या तुम रिस्टार्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पर यस देना ज़रूरी है। देखते हैं कि हर पीसी पर इस तरीके से हमें अकाउंट नज़र आ रहे हैं। देखो हर पीसी पर जिस तरीके से हम नंबर यूज़र अकाउंट पे दिए थे ACS 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम 5 तक लिए हैं, लेकिन टोटल अब अगर आप गौर करते हैं अकाउंट तो यहाँ पर 6 अकाउंट है। मतलब लैन कार्ड में अगर आपके 5 पोर्ट हैं तो आप 6 सिस्टम भी चला सकते हैं, एक ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच और ये छः, हमारा जो मेन एडमिनिस्ट्रेटर जो हमारा मेन सर्वर है वो। इसके बाद इस तरीके से हम अकाउंट ओपन करेंगे, पहले क्लिक करना है, फिर पासवर्ड देना है जो भी हम पासवर्ड लगाए थे वो, और इंटर देना है। ये फर्स्ट टाइम ये प्रिपेयरिंग करेगा, इसके बाद ये अकाउंट डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। एन कंपाउंडिंग का ये बहुत आसान तरीका है, इसमें बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, इसमें इतनी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान सेटअप होता है, बहुत ही बेसिक होता है ये।
इसके बाद स्टार्ट पर जाना है, राइट क्लिक कंप्यूटर पे देकर शो डेस्कटॉप पर क्लिक कर देना है।